हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एनबीएस रिक्रूटमेंट 2024 का आउट कर दिएगा, उसके रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनबीएस 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिए गए। नवोदय विद्यालय समिति एक तरह का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू फॉर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल 1377 वैकेंसी आउट किए गए फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, और टोटल गवर्नमेंट जॉब्स है ऑनलाइन मोड है। 23 मार्च 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.navoday.gov.in। वैकेंसी के बारे में बात कर ले, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की 121 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की 5 वैकेंसी, ऑडिट असिस्टेंट 12 वैकेंसी, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 वैकेंसी, लीगल असिस्टेंट 1, स्टेनोग्राफर ग्रुप से 23, कंप्यूटर ऑपरेटर 2, कैटरिंग सुपरवाइजर 78, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 21, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी जेएनबी कैटरिंग 360, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर 128, लैब अटेंडेंट 161, मेस हेल्पर 442, मल्टीटास्किंग स्टाफ 19। टोटल 1377 वैकेंसी आउट किया गया है। आप कैसे अप्लाई करोगे? सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट टैब में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। उसके बाद आपको टोटल इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वैलिड तरीके से देने के बाद आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी डिटेल, आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी जेपीजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इजीली पेमेंट्स को कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट को कर सकते हो। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग प्लस टोटल 1500 रुपये, एससी एसटी के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग प्लस 500 रुपये। वही फीस की बात करें, अदर एक्सेप्ट की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 500 1000 रुपये और एससी एसटी का 500 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए नॉर्मली आप देख सकते हैं, सबके लिए आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पास मिनिमम 60% आने चाहिए, और उसके लिए सम्पली एससी एसटी के लिए 55% आपके आने चाहिए, और आपके पास कुछ किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सारे फील्ड के लिए सेम यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एज लिमिट की बात करें, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप टू 35 ईयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 33 ईयर्स। यहाँ पे सारे एज लिमिट्स आपको देखने को मिल जाएगा, बिजली पोस्ट करके सारे एज लिमिट को बिजली चेकआउट कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5 साल, और कैंडिडेट 3 ईयर ऑटोमेस सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 साल। सिलेक्शन स्टेज की बात करें, ये जो पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होने वाले, लीगल असिस्टेंट के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यू होगा, और स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम और ट्रेड और स्किल टेस्ट के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है। फीमेल स्टाफ नर्स का एग्जाम पैटर्न की बात करें, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2.5 आवर का टाइम आपको मिलता है। वही 2024 के पैटर्न की बात करें फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, उसके लिए भी सिंपली रीजनिंग, क्वांट, लीगल और इसके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, फीमेल स्टाफ नर्स का जो पे लेवल 7 है, 44,900 to 1,42,400, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल 6, और पे लेवल 6 का जो सैलरी है 35,400 to 12,400, लीगल असिस्टेंट का तक, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सर्विस सुपरवाइजर लिपे लेवल 4 25,500 to 81,100, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का जो है और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का लिपे लेवल 2 19,900 to 63,200, पे लेवल 1 है लैब अटेंडेंट, मास हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ पे लेवल 1 18,000 to 56,900। इसके रिगार्डिंग में हमको भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको नई वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।